एक अकेला घोड़ा जंगल में दोस्तों की तलाश के लिए निकल पड़ा। चलते चलते काफी हरे भरे घने जंगल में पहुंच गया। उसने पेड़ पर बैठे गिलहरी से पूछा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? गिलहरी बोली, तुम मेरी तरह पेड़ों की टहनी में नहीं रह सकते और ना मेरी तरह पेड़ों में खेल सकते हो। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती। घोड़ा आगे की तरफ चलने लगा और एक अजगर से मिला। उससे भी पूछने लगा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अजगर ने भी दोस्ती करने से मना कर दिया। तुम मेरे छोटे से बिल में नहीं आ पाओगे। नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। घोड़ा आगे चलता रहा। उसने एक छोटे कछुए को देखा, लेकिन कछुए ने भी उसे मना कर दिया। तुम तो मेरी तरह पानी में नहीं रह सकते और ना पानी में तैर सकते हो। नहीं नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। रास्ते में जो कोई भी जानवर मिलता उनसे पूछने लगता, लेकिन उसे हमेशा एक ही जवाब मिलता था। अगले दिन जंगल के सभी छोटे जानवरों को जंगल की दूसरी तरफ भागते देखा। उसने एक बकरी से पूछा, सभी जंगल की दूसरी तरफ भाग क्यों रहे हैं? बकरी बोली, अरे तुमको नहीं पता, एक पागल भालू जंगल के सभी छोटे जानवरों पर हमला कर रहा है। घोड़े ने जमीन पर पड़े छोटे जानवरों को देखा और उनको बचाने के लिए भालू के पास गया और अपने लंबे पैरों से भालू को दूर फेंक दिया। वो पेड़ से टकराकर जमीन पर गिर गया। सभी घोड़े की बहादुरी से बहुत खुश हुए और बोलने लगे, आप हमारे दोस्त बनने के लिए बिल्कुल सही हो। सभी ने घोड़े का धन्यवाद किया, उससे दोस्ती भी की और उसे अपने साथ जंगल में ले गए।